पिंटू आज आपको दिखाऊंगा 1932 से कितना जनमानस का जुड़ाव है, ये कितना अहम मुद्दा बन गया है और ये लागू होने की खुशी की कितनी ज्यादा उत्साह और उल्लास है। हमारे कैमरा सहयोगी रिकी राज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ विधेयक पास हुआ और उसके बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया। नगाड़े मांदर के साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और वो लगातार यहाँ पटाखे आतिशबाजियाँ चला रहे हैं और आतिशबाजियों का शोर इतना ज़्यादा है कि उस आतिशबाजियों की वजह से हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मगर बहुत खुश हैं। खुद शिक्षा मंत्री जी और खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी मांदर बजा रहे हैं, खुद शिक्षा मंत्री जो कि वादा किए थे कि हम आएंगे और लागू कराने के बाद यहाँ पर से जश्न मनाते हुए चलेंगे और वो जश्न मनाते हुए यहाँ से एक विशाल जुलूस जो कि आतिशबाजियाँ कर रही हैं, नृत्य हो रहा है, पूरी तरह से उत्सव का माहौल है। हमारे कैमरे से भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री जी को खुश लोगों ने, जो लोग बहुत उत्साहित हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया है। और अगर यह कहें कि ये 1932 को झारखंड सरकार के संज्ञान में मजबूती से उठाने वाले और इसे लागू कराने में तो सबसे ज़्यादा आतिशबाजी के मुखर विधायक रहे 1932 को लेकर के, एक समय अकेले 32 की राजनीति पर वो लगातार बयान देते रहे कि 32 लागू होकर रहेगा और आज एक दिन है कि आज झारखंड विधानसभा जश्न का माहौल बन गया है कि लोग पटाखे आतिशबाजियाँ के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें हमारा अधिकार मिला, हमारा हक मिला, इसीलिए वो लगातार यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आइए मुखातिब होते हैं शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, किस प्रकार से लगातार जो 1932 के बाद उठाते आज कितना खुश है उनकी सीएम साहब के बयान रे लागू कर लो। अपनी आवाज़ सुन लिया दादा सभी,
या झारखंड वो सुन शिक्षा मंत्री के बयान रे लागू कर ले 1932 के खतियान रे लागू कर 1932 के खतियान रे लागू कर रे 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 रे